को युवक कांग्रेस की ओर से शहर के मोमिनपुरा चौक पर मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने युवकों को रोजगार देने की बात कही थी, मगर अभी तक देश में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है। साथ ही कोरोना के कारण छोटे मोटे उद्योग करने वाले युवक भी अब बेरोजगार हो गए। ऐसे में मोदी सरकार का रोजगार कहां गया, ऐसा सवाल भी उन्होंने उठाया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कोरोना जैसी हाल में आज आपको मालूम है कि कई करोड़ों युवा जो बेरोजगार हो गए हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आपको पता है कि आज हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज देखिए जिस क्षेत्र के मंदिर में यहाँ खड़ा हूँ, ये पहले रेटी का एरिया है, यहाँ पे हर छोटे मोटे कारोबार वाला, लूम वाला जो कपड़े बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, आज वो लोग छोटे कारोबार वाला आदमी आज बंद पड़ा हुआ है, लेकिन मोदी जी को इनकी फिक्र नहीं है। आज देश का युवा डिग्री लेके घूम रहा है, मोदी जी से नौकरी मांग रहा है, मोदी जी हमें नौकरी दो। आखिर भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष श्रीनिवास जी, महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत दादा तांबे, आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम एक मुहिम चला रहे हैं बेरोजगारी को लेके, कि मोदी जी हमें युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। इसलिए आज हम यहाँ पे मध्य नागपुर में आज आंदोलन कर रहे हैं।